The following data are available in respect of a material MMI used in the production of goods of Messrs. Bright Limited for the year 2001. Cost of material per unit 50. अभी मैंने आपको बताया था कि जो cost of material रहेगा वो C निकालने में काम देगा, यानी C निकालने के लिए मैंने आपको formula दिखाया था cost of material इंटू जो परसेंटेज दिया रहेगा. परसेंटेज इज गिवन, कैलकुलेशन मेड ऑन कॉस्ट ऑफ मेटेरियल देखे लिखे हुए हैं. वीकली कंजम्पशन 300 यूनिट्स. तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये फॉर्मूला में ए निकालना पड़ेगा, एनुअल कंजम्पशन. देखिए वहां पर वीकली कंजम्पशन कितना दिया हुआ है, 300 इंटू वीकली है, तो कितना से इंटू करेंगे, 52 से, तो आ गया 15,600 यूनिट्स. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 650, और सी जो निकालेंगे वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया हुआ है कितना, 50 रुपीज. और देखिए वहां पर लिखा हुआ है स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट यानी कैरिंग कॉस्ट 2% है, तो 50 रुपीज का 2% कितना होगा, निकाल के देखो, 50 रुपये का 2% कितना हो रहा है, 1 रुपया. क्या क्या बोला है निकालने के लिए, क्या क्या बोला है देखिए, पहला ए, ई ओ क्यू, आपको ईओ क्यू बोल रहा है निकालने के लिए. अच्छा, यहां पर जरा एक बात समझ लीजिए, 300 दिया हुआ है वहां पर यूनिट वीकली कंजम्पशन, बट ए इज इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन होता है, इसलिए 52 से इंटू कर दिए तो 15,600 जो आया मेरा एनुअल कंजम्पशन हो गया. एस का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लेसिंग एंड रिसीविंग वन ऑर्डर, वहां पर देखिए दिया हुआ है 650, तो लिख दिए. और यहां पर आप देख रहे हैं स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट 2% पर मंथ है, तो हम लोग परसेंटेज में दिया रहेगा, किसके ऊपर निकालेंगे, कॉस्ट के ऊपर, तो 50 रुपीज का 2% निकालें तो 1 रुपया आया, ये तो पर मंथ आया, बट सी इक्वल टू क्या होता है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, तो ये 1 रुपीज को कितना से इंटू करना पड़ेगा, 12 से, तो कितना आ जाएगा, 12. यानी हम इसको कितना रुपया लेकर बनाएंगे, 12. यानी अगर वहीं तक छोड़ देते हैं तो वहीं पर गलत हो जाएगा. चलिए बिठा दीजिए, 2AS/C, 2 के जगह तो 2 होगा, A के जगह होगा 15,600, S के जगह होगा 650 और C के जगह होगा 12 रूट अंडर. देखिए निकाल के आ गया 1300 यूनिट्स. बेस्ट जो क्वांटिटी होगा, अगर आपका 15,600 यूनिट्स पूरा एक साल में लग रहा है, तो बेस्ट क्वांटिटी क्या हुआ एक मरते में ऑर्डर देने के लिए, 1300 यूनिट्स. दूसरा क्या बोल रहा है निकालने के लिए, जरा बताएंगे, बोलिए, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर लिखा हुआ है ना, क्या लिखवाए थे आपको फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर का, A/, तो A 15,600 यूनिट्स और EOQ कितना निकला, 1300 यूनिट्स. तो 15,600 को 13 से डिवाइड करेंगे, एक साल में कितना बार मंगाना पड़ेगा आपको, 12 बार. सी नंबर भी कुछ बोला है, देखिए क्या बोला है, बोलिए, टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर या टू ऑर्डर. देखो, और आप पहले बता दो फिर हम इधर बनाएंगे, एक साल में कितना बार सामान मंगा रहे हैं, 12 बार,
तो आपको हर एक महीना मंगाना पड़ेगा ना। टाइम बिटवीन का क्या फॉर्मूला था बोलिए, 12 मंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। 12 तो 12 मंथ ही रहेगा, 12 से इंटू किए, यानी हर एक महीना हम लोगों को सामान मंगाना पड़ेगा।